रिसेंट में एमजी हेक्टर एंड हेक्टर प्लस में बड़ा अपडेट लॉन्च हुआ था, जिसमें एमजी हेक्टर में अब एडवांस फीचर्स, न्यू एक्सटीरियर, न्यू इंटीरियर एंड कई सारे न्यू फीचर्स मिलते हैं। बट एमजी हेक्टर प्लस की सिमिलर प्राइस में आपको और एक एडवांस वाली एसयूवी मिल जाती है। जी हाँ, हम यहाँ पे महिंद्रा एक्सयूवी 700 की बात कर रहे हैं। बट एमजी हेक्टर 5 सीटर में ही आती है एंड हेक्टर प्लस 6 या 7 सीटर्स में अवेलेबल है, जहाँ पे एक्सयूवी 700 के टॉप वेरियंट्स में ओनली 7 सीटर ही आता है। इसीलिए हमें यहाँ पे एक्सयूवी 700 को एमजी हेक्टर प्लस से ही कंपेयर करना पड़ेगा इंस्टीड ऑफ 5 सीटर एमजी हेक्टर। तो अगर आप एक 7 सीटर एसयूवी लेना चाहते हो तो क्या आपको एमजी हेक्टर प्लस लेना चाहिए या फिर एक्सयूवी 700? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की। हेक्टर प्लस की लेंथ 4720 मिलीमीटर है, जहाँ पे एक्सयूवी 700 की लेंथ 4695 मिलीमीटर है। हेक्टर प्लस की विड्थ 1835 मिलीमीटर है, जहाँ पे एक्सयूवी 700 की विड्थ 1890 मिलीमीटर है। हेक्टर प्लस की हाइट 1760 मिलीमीटर है, जहाँ पे एक्सयूवी 700 की हाइट 1755 मिलीमीटर है। एमजी हेक्टर प्लस एंड एक्सयूवी 700 दोनों में आपको 720 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। एमजी हेक्टर प्लस में आपको 192 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे एक्सयूवी 700 में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो लेंथ एंड हाइट में एमजी हेक्टर थोड़ी बड़ी है, जहाँ पे विड्थ एंड ग्राउंड क्लियरेंस में एक्सयूवी 700 बेटर है। बट दोनों में व्हील बेस सेम मिलता है, जिसके कारण रियर सीट्स में दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सेम स्पेस मिलेगा। बट दोनों कार्स में सेकेंड रो आगे पीछे नहीं हो सकती, मीन्स आपको सेकेंड एंड थर्ड रो दोनों में फिक्स स्पेस ही मिलेगा। आप सीट मूव करके स्पेस बढ़ाया कम नहीं कर सकते। बट एमजी हेक्टर प्लस 6 सीटर में भी अवेलेबल है, जिसमें आपको सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलती है, जहाँ पे एक्सयूवी 700 ओनली 7 सीटर ऑप्शन में ही अवेलेबल है। सो दोनों के डायमेंशंस में ज्यादा फर्क नहीं होता, बट सीटिंग ऑप्शन में एमजी हेक्टर प्लस में ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। अब बात करते हैं इंजन की। एमजी हेक्टर प्लस 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन एंड 2 लीटर डीजल इंजन, जिसमें पेट्रोल इंजन से 141 bhp का पावर एंड 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहां पे डीजल इंजन से 168 bhp का पावर एंड 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एंड एक्सयूवी 700 में भी 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 2.2 लीटर डीजल इंजन, जिसमें पेट्रोल इंजन से 197 bhp का पावर एंड 380 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहां पे डीजल इंजन से 182 bhp का पावर एंड 450 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो क्लियरली पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन में महिंद्रा एक्सयूवी 700 का इंजन ज्यादा पावरफुल है एमजी हेक्टर प्लस के इंजन से। एंड एक्सयूवी 700 में टॉप डीजल वेरिएंट में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है, जो आपको एमजी हेक्टर प्लस में नहीं मिलता। एंड एक्सयूवी 700 में आपको डीजल इंजन के साथ मैनुअल एंड 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, बट एमजी हेक्टर प्लस में डीजल इंजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता। एंड पेट्रोल इंजन में भी एक्सयूवी 700 में टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, जहां पे एमजी हेक्टर प्लस में सीवीटी ट्रांसमिशन मिलता है। सो इंजन पावर एंड ओवरऑल ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी एक्सयूवी 700 बेटर है, बिकॉज उसमें आपको हर एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है। एंड ऑल्सो ऑल व्हील ड्राइव के कारण एक्सयूवी 700 लाइट ऑफ रोडिंग भी कर सकती है। सो इंजन वाइज एक्सयूवी 700 बेटर है। अब बात करते हैं माइलेज की। सो दोनों कार्स की ARI माइलेज फिगर्स अब तक रिवील नहीं हुई, पर दोनों कार्स के रिव्यूज एंड ओनर की रिपोर्ट्स के हिसाब से हम एक अप्रोक्स माइलेज फिगर निकाल सकते हैं। MG Hector Plus में पेट्रोल इंजन से आपको 6-8 km पर लीटर की माइलेज मिलेगी, एंड डीजल इंजन में 15-17 km पर लीटर की, जहां पे XUV 700 में पेट्रोल इंजन से आपको 8-10 km पर लीटर की माइलेज मिलेगी एंड डीजल से 14-16 km पर लीटर की। सो पेट्रोल इंजन में दोनों की माइलेज कम है, बट MG Hector में पेट्रोल ऑटोमेटिक में यूजर्स ने 5-6 km पर लीटर की माइलेज भी बताई है। सो पेट्रोल में दोनों में XUV 700 में आपको स्लाइटली बेटर माइलेज मिल सकती है, जहां पे दोनों में डीजल इंजन में ऑलमोस्ट सिमिलर माइलेज ही मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो दोनों कार्स के एक्सटीरियर डिजाइन तो टोटली डिफरेंट है, सो ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है कि आपको दोनों में से किस कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको 18-inch alloy व्हील्स, पैनारोमिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, LED DRL, LED 10 लाइट, LED हेडलाइट, फॉग लैंप्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट एमजी हेक्टर प्लस में इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट मिलता है, जहाँ पे एक्सयूवी 700 में टेलगेट मैनुअल मिलता है। बट एक्सयूवी 700 में स्मार्ट डोर हैंडल्स मिलते हैं, जहाँ पे एमजी हेक्टर प्लस में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसके सिवा दोनों के एक्सटीरियर में फीचर्स वाइज कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट ओवरऑल दोनों कार्स में सिमिलर और मॉडर्न एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट ये आप पे डिपेंड है कि आपके लिए स्मार्ट डोर हैंडल्स इंपॉर्टेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिक टेलगेट। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पहले दोनों कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं।
जैसे कि दोनों में आपको इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, ड्राइवर आर्म रेस्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 360 कैमरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एंड रियर एसी वेंट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट एम जी हेक्टर प्लस में आपको 14 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जहां पे XUV700 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। एंड एम जी हेक्टर प्लस में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है, जो आपको XUV700 नहीं मिलते। एंड एम जी हेक्टर प्लस में को ड्राइवर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, जो XUV700 में आपको मैनुअल मिलती है। एंड एम जी हेक्टर प्लस में ऑटो डिमिंग IAVM मिलता है, जो आपको XUV700 में मैनुअल मिलता है। एंड दोनों कार्स में कनेक्टेड कार फीचर्स तो मिलते ही हैं, बट एम जी हेक्टर प्लस में थोड़े एडवांस कनेक्टेड फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि डिजिटल ब्लूटूथ की। एंड एम जी हेक्टर प्लस में इन्फिनिटी के स्पीकर्स दिए गए हैं, जहाँ पे XUV700 में सोनी के स्पीकर्स मिलते हैं। एंड XUV700 में ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जहाँ पे एम जी हेक्टर प्लस में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इसके सिवा दोनों के इंटीरियर में फीचर्स वाइज कोई और मेजर डिफरेंस नहीं है, बट ओवरऑल इंटीरियर फीचर्स में एम जी हेक्टर प्लस बेटर है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेफ्टी की। तो महिंद्रा XUV700 का ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट हो चुका है, जिसमें XUV700 को 5 out of 5 स्टार्स मिले थे, बट एम जी हेक्टर का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ। सो एम जी हेक्टर कितनी सेफ है वो हम अस्यूम नहीं कर सकते। बट अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको लेवल 2 ADAS मिलते हैं, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड ऑटो हाई बीम जैसे ADAS सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बट XUV700 के टॉप वेरिएंट में पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन के साथ आपको ADAS फीचर्स मिलते हैं, जहां पे MG हेक्टर में पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट में ही आपको ADAS का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि आपको डीजल इंजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी नहीं मिलेगा, ना ही ADAS फीचर्स, जहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम XUV700 के साथ नहीं है। बट ADAS के सिवा दोनों कार्स में ABS, EBD, ASP, हिल हॉल कंट्रोल, ऑल डिस्क ब्रेक्स, TPMS एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स कवर मिलते हैं। बट XUV700 में 7 एयरबैग्स मिलते हैं, जहाँ पे MG हेक्टर प्लस में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। बट ओवरऑल सेफ्टी वाइज XUV700 ट्रस्टेड एंड टेस्टेड कार है। तो चलिए बात है कंक्लूजन पे, आपको XUV700 लेनी चाहिए या फिर MG हेक्टर प्लस। अगर बात हो इंजन पावर की, माइलेज की, ट्रांसमिशन ऑप्शंस की, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज की या फिर सेफ्टी की, तो इन सब चीज़ों में XUV700 बेटर है MG हेक्टर प्लस से। सो इन दोनों कार्स के बीच ज़्यादातर लोगों के लिए महिंद्रा XUV700 ही बेटर चॉइस रहेगी। बट हाँ, जिनको पेट्रोल की कम माइलेज से फर्क नहीं पड़ता एंड जिनको ज्यादा फीचर्स चाहिए, उनके लिए MG हेक्टर प्लस बेटर रहेगी। एंड हाँ, XUV700 में वेटिंग पीरियड्स भी ज्यादा होते हैं, सो जिनको तुरंत या फिर शॉर्ट टाइम में कार चाहिए, उनके लिए MG हेक्टर प्लस बेटर ऑप्शन हो सकती है। बट एक और बात, MG एक चाइनीज ब्रांड है एंड महिंद्रा इंडियन, ये चीज भी कई सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर ये भी आपके लिए बेटर करता है, तो फिर XUV700 ले सकते हो आप। तो ये था हमारा कंपैरिजन MG हेक्टर प्लस एंड महिंद्रा XUV700 के बीच। तो अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी है, तो आप कौन सी कार चूज करोगे, MG हेक्टर प्लस या फिर महिंद्रा XUV700? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।